झांसी किले से चली शहीद ज्योति यात्रा ग्वालियर पहुंची, जहां उसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर स्थापित किया गया। इस दौरान सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। वीरांगना लक्ष्मीबाई बलिदान मेला इस बार भले ही कोरोना संक्रमण के चलते भव्य रूप में आयोजित नहीं किया गया है, लेकिन पिछले 20 सालों से झांसी के किले से आ रही शहीद ज्योति यात्रा बुधवार शाम को ग्वालियर पहुंची, जहां पड़ाव से वीरांगना के समाधि स्थल पर मेला अध्यक्ष जयभान पवैया, सांसद विवेक नारायण सेजवलकर, रानी लक्ष्मीबाई की पुण्य आत्मा की प्रतीक ज्योति को समाधि स्थल पर स्थापित किया। इसके पूर्व बुंदेलखंडी युवाओं की टोली झांसी से ज्योति यात्रा को लेकर आई। ये लोग कोरोना संक्रमण के कारण बनाई गई गाइडलाइन का पालन करते हुए समाधि स्थल पहुंचे और वहां ज्योति स्थापित की, साथ ही चीन की सीमा पर शहीद हुए जवानों की शहादत पर दीपदान किया। हमने हमारे प्रधानमंत्री जी जब कोरोना से युद्ध लड़ रहे हैं और हम लोग गाइडलाइन को तोड़कर प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए, शहीदों का सम्मान भी है, इसलिए शहीदों को यही नमन है और यही राष्ट्रभक्ति है। हम अपने कार्यक्रम को संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।